Good morning, students. Today I am starting in physics class 11 Kepler's law of planetary motion. So Kepler's law, there are three laws of planetary motion. Kepler, there are three laws of Kepler. Kepler's planetary motion. तो फर्स्ट लॉ ये कहता है, फर्स्ट लॉ, पहला लॉ ये कहता है कि ऑल प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है, ये सब सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन इनका शेप जो होता है इलिप्टिकल शेप में, ये जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल के मतलब ऑर्बिट में इनका जो ऑर्बिट्स होती है वो इलिप्टिकल शेप में होती है, और ये इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं. तो लिखेंगे क्या, ऑल प्लैनेट्स, ऑल planets move around the sun हमने बताया in elliptical shape या in elliptical orbit, in elliptical orbit. एक तो ये law हो गया, दूसरा ये कह रहा है ऑर्बिट्स, सेकंड का ये कहता है कि कोई भी लाइन है, ठीक है, जो और वो किसी प्लैनेट को सन के थ्रू ज्वाइन करती है, ठीक है, सन के थ्रू मिलाती है, सन से मिलाती है, कोई प्लैनेट उसको सन से मिलाती है किसी लाइन के थ्रू, ठीक है, तो वो जब मूव करेगी, वो प्लैनेट जो है मूवमेंट करेगा सन के चारों, तो वो इक्वल टाइम में, सारे प्लैनेट इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करें, ठीक है. तो इसके लिए कैसे लिखेंगे, अलाइन ज्वाइनिंग joining any planets, joining any planet to the sun any planet to the sun मतलब वो लाइन जो प्लैनेट और सन को जोड़ती है, ठीक है, वो इक्वल एरिया कवर करती है, ठीक है, sweeps out equal area in equal time, ठीक है, equal areas in equal time, ठीक है. इसको हम फिगर के थ्रू शो कैसे करेंगे, जैसे हमने बताया कि इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है, और यहाँ पे सन, देख लीजिए यहाँ पे सन, ठीक है, यहाँ पे सन है, ठीक है, और ये हमने बताया यहाँ पे प्लैनेट, तो ये इसको लाइन दिए हुए लाइन, ठीक, और इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, देख लीजिए इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, ये एरिया जो है, ठीक है, ये एरिया यहां से यहां तक का एरिया थीटा कहलाता है, ठीक है, और ये आर हो गया आपका,
ये आर हो गया ठीक। उसके बाद लेट द पॉइंट ए से ये बी की तरफ जाए ठीक है। ये देखिए ये ए से बी की तरफ जाती है और ये सन है, ये सी और ये डी और ये शेप में रिवॉल्व करता है ठीक है। इसको हम शेडेड पोर्शन में दिखा देते हैं, ये ठीक है, इसका रिवॉल्व करता है ठीक। ये चीज है यार हो गया। अब उसके बाद इसमें मूवमेंट जो होती है ये इलिप्टिकल मूवमेंट होती है ठीक है। अब एरिया जो है ठीक है, एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल लेंगे ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो एरिया कर्व ट्रायंगल, कर्व ट्रायंगल क्या होगा, वन अपॉन टू इंटू ठीक है इंटू आर स्क्वायर डी थीटा के इक्वल ठीक है, आर स्क्वायर डी थीटा के इक्वल होगा। मीन्स ये आपका डी ए ठीक है। अब दोनों तरफ हम डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डी टी कर देते हैं ठीक है ठीक, इन ए फिक्स टाइम। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डी टी, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डी टी, दोनों साइड के लिए डिवाइड करते हैं तो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू वन अपॉन टू इंटू आर स्क्वायर इंटू डी थीटा अपॉन डी, ये हो गया आपका ठीक है। और ये आपका हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी, आपने ओमेगा पढ़ा इससे पहले इसके वजह से। तो यहाँ पर लिखते हैं इफ इफ ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी ठीक है, यहाँ पर रखेंगे तो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू वन अपॉन टू आर स्क्वायर ओमेगा, ये ठीक है, वन अपॉन टू आर स्क्वायर ओमेगा हो गया। अब बात ये होती है कि अब बाय जे इज इक्वल टू आई ओमेगा लगा दें, बाय देख लीजिए बाय जे इज इक्वल टू आई ओमेगा, तो जे इज इक्वल टू आई ओमेगा लगाएंगे तो आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर के इक्वल होती है। इफ आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ठीक है। अब देखिए इसको जो है हम अगर बनाना चाहें इसमें देखिए आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा हो गया ठीक है, सॉरी जे इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू अगर आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर कर लें तो जे इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा हो गया ठीक है। अब इसकी वैल्यू जो है जो आ गई, अब डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देख लें, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू, अब देखिए अगर आप इसके हिसाब से इसको कन्वर्ट करते हैं तो जे अपॉन टू एम के इक्वल हो जाएगा, इसको लो जे अपॉन टू एम के। अब देखिए जे अपॉन टू एम कैसे हो जाएगा देख लीजिए, अगर हम J की वैल्यू यहाँ पर रख दें इसको ऐसे रख दें एम आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन टू, इसको टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं टू एम अपॉन टू एम, अगर इसको टू एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मिल जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर ठीक है। और इसकी वैल्यू जे के इक्वल हो जाएगी, सो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू जे अपॉन टू एम ठीक है। दिस नोन एज सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी
मोशन। ठीक है, नाउ आई एम स्टार्टिंग द थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। देख लीजिए, अब जब थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन इस्तेमाल स्टार्ट करेंगे, देख लीजिए, थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। देखिए थर्ड लॉ में क्या बताया गया है, आप जानते हैं कि जो प्लेनेट होता है वो इलिप्टिकल, तो इलिप्टिकल जो शेप होता है इसमें दो रेडियस होती है, जो इलिप्टिकल शेप होता है इसमें दो रेडियस होती है। कैसे होती है देख लीजिए, इलिप्टिकल शेप ऐसा होता ही है ये, ठीक है, दो रेडियस कैसे होती है, ये रेडियस होता है, ठीक है, दो रेडियस दिखाई देते हैं, ठीक, इसमें ये आपको हमने ये ए मान लिया और इसको हमने बी, ठीक, ये हो गया आपका और ये ओ है, यहाँ पे सन होता है, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अब जानते हैं इसमें दो रेडियस होते हैं, दो रेडियस हो गए तो ठीक है। अब टी इज इक्वल टू, ठीक है, अब जो है टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कैपिटल टी, डिस्टेंस जो होगा आप सर्कुलर में सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे दो रेडियस है तो आपका हो जाएगा पाई ए बी के बराबर, पाई तो आपका रहेगा रेडियस 2 आर लगा लिखा जाता है, तो यहाँ दो रेडियस है ए और बी, तो ये हो जाएगा आपका पाई ए बी के, ठीक है। और एरियल स्पीड आप रखेंगे, एरियल स्पीड अभी आपने निकाला है जे अपॉन टू एम के इक्वल, ठीक है, एरियल स्पीड, एरियल स्पीड इज इक्वल टू जे अपॉन टू एम, ठीक है, एरियल स्पीड का मतलब विद ए कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड मतलब दादा बताया ना, इक्वल एरिया एंड इक्वल टाइम में, सेकंड लॉ ही तो कह रहा है कि इक्वल एरिया एंड इक्वल टाइम में मतलब करती है, तो जो अगर इक्वल एरिया इक्वल टाइम में करती है तो वो इक्वल मतलब एरियल स्पीड कहलाती है, तो ये आप जे अपॉन टू एम रख दीजिए, जे अपॉन टू एम, ठीक है, ये आपका हो गया। अब उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें, ठीक है, देख लीजिए, तो पहले इसको जम करके ले जाएं, तो टी इज इक्वल टू टू एम इंटू पाई ए बी अपॉन जे, ठीक है। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा टू टू जा फोर एम स्क्वायर, फोर पाई स्क्वायर, यहाँ पे पाई ए बी हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन जे स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू, अब एल की जो है, अब जो है मैथमेटिक्स में इलिप्टिकल शेप में होता है लैटस रेक्टम, ठीक है, जिसको एल से डोनेट करते हैं, ठीक है, तो लैटस रेक्टम ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट निकालना है, देख लीजिए, लैटस रेक्टम ये आपका उसमें कॉनिक सेक्शन में होता है, लैटस रेक्टम ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट एल इज इक्वल टू, इसको एल से डोनेट करते हैं, एल इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए, ये बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है, लेटस रेक्टम फॉर वाई एक्सेस लेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए होगा और एक्स एक्सेस लेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन बी हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल लेटस रेक्टम ऑफ
डी वाई एक्सेस ले रहे हैं तो एल की वैल्यू बी स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगी। तो यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन ए जब लेंगे, इसको देखिएगा, तो बी स्क्वायर अपॉन ए लेंगे तब देखिए यहाँ क्या बचेगा, देख लीजिए, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर पाई स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर अपॉन ए जब करेंगे तो ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका ए क्यू हो जाएगा, ए क्यू इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए है तो ये एल के इक्वल हो जाएगा अपॉन जे स्क्वायर। ठीक है, ये आपका लैटिस रेक्टैंगल रख दिया। अब बात ये आती है कि ये जो हो गया, इफ 4π² m² l / j² यह आपका कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट इसलिए होगा क्योंकि ये a हमने बताया ना इक्वल एरियाज है। ठीक है, जितने भी ये रिवॉल्व करते हैं तो इक्वल एरियाज में रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये m जो होगा और l जो होगा और 4π² जो होगा ये इक्वल एरिया में करेंगे, इक्वल एरिया ही है। ठीक है, तो जब कांस्टेंट रख देंगे तो इसका जो हो जाएगा सो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, इट्स नोन एज केपलर थर्ड लॉ। अगर इसको वर्डिंग में लेते हैं तो इसमें लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ एनी प्लैनेट, द स्क्वायर ऑफ द प्लैनेट ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ एनी प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट। ओके, ये आपका केपलर्स थर्ड लॉ हो गया। ओके, दिस देयरफॉर दीज आर द थ्री लॉज ऑफ केपलर्स। ओके, थैंक यू।